सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल हाइपर राजा गेमिंग। आज हम लोग फिर से खेलने वाले मैं करीना, और गाइज आज मैं टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ ऑफ गार्डियन। सो जो जो न्यू प्लेयर्स है, जो जो जिन जिन लोगों का गार्डियन अभी अभी अनलॉक हुआ है, सो उन लोग के लिए ये वीडियो मैं बता दूँ। बट आपका पहले से अनलॉक हो चुका है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी फर्स्ट टिप है व्हाट इज़ गार्डियन। सो गाइस, आपको पहले जानना पड़ेगा कि गार्डियन क्या है। सो गार्डियन जो है वो एक अटैक टैक मैक है, ठीक है, और इसकी एबिलिटी है सिस्टम क्रैश एबिलिटी, और ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर भी है। सो जब आपका गार्डियन अनलॉक होगा गाइस, तो आपके गार्डियन की हेल्थ 30,000 के आसपास होगी, और उसकी एनर्जी लिमिट जो है वो 16 होगी, ठीक है, एनर्जी लिमिट उसकी 16 होगी। और हमारे अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारी टिप नंबर 4 है सेंसिटिविटी एंड अपग्रेड। सो आपको अपने जो अवतार होता है वहाँ पे टैप करना है सिंपली, और नीचे एक सेटिंग लिखा होगा उस पे आ जाना है, ठीक है। इस सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे आने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा कैमरा सेंसिटिविटी। अगर आपका फ़ोन जो है वो 6GB से ज़्यादा वाला है और 6GB में आता है, तो आप इसको रख सकते हैं 82। बट अगर आपका लो एंड डिवाइस है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे 100 पे ही रहने दीजिए। सो गाइस, जहाँ तक अपग्रेड की बात है, गार्डियन आपका जब अनलॉक होगा सिर्फ 30,000 हेल्थ होगी उसकी, उससे आप कुछ कर नहीं लोगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करना है अपने गार्डियन को ताकि वो पावरफुल बन सके। गाइस, हमारी अगली टिप है बेस्ट कॉम्बिनेशन, और आपको मैं कुछ कॉम्बोज बताने वाला हूँ गार्डियन के। और पहला कॉम्बो हम बताएंगे 16 के एनर्जी वालों के लिए। गाइस, 16 के एनर्जी वालों के लिए जो मतलब उनका कॉम्बो आता है बेस्ट अवर कॉम्बो है मिसाइल रैक 8। 16 एनर्जी वालों को बता दूँ, उन लोग का जब गार्डियन अलग हो तो आप मिसाइल रैक 80 उसे दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है मिसाइल रैक 8 के साथ। और अगर आपकी जो है वो 20 है एनर्जी लिमिट, तो मैं आपको एक कॉम्बो बताता हूँ जो है 37 BIM 12 प्लस मिसाइल रैक 8, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉम्बो है। आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, मैं भी पहले इसे ही यूज़ किया करता था। और गाइस, मैं आपको कुछ और कॉम्बोज भी बता देता हूँ, 4-5 कॉम्बोज, जैसे कि एक ये हो गया फ्रेंड्स रॉकेट मोटर 12 प्लस मिसाइल रैक 8, और एक कॉम्बो है रॉकेट मोटर 12 प्लस रॉकेट मोटर 8, और लॉन्ग्राम भी बहुत अच्छा कॉम्बो माना जाता है गार्डियन के ऊपर, तो आप इसे लॉन्ग्राम भी दे सकते हो। बहुत सारे प्लेयर लॉन्ग्राम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा चला लेते हैं। और फाइनल जो मैं आपको कॉम्बो बताने वाला हूँ, वो कॉम्बो माय पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपका गार्डियन 16 का एनर्जी अगर उसका है, तो मैं आपको एक ही बेस्ट कॉम्बिनेशन सजेस्ट करूँगा, वो है मिसाइल रैक 8। आप इसको मिसाइल रैक 8 में ही कंफर्म कीजिए। बट मैं 24 एनर्जी लिमिट वालों के लिए बता दूँ, वो है 37 BIM 16 प्लस मिसाइल रैक 8, ठीक है, मैं क्यूब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एनर्जी लिमिट कम है। तो अगला टिप है हमारा कवर फायर एंड रश। गाइस, बहुत सारे प्लेयर को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि गार्डियन से हम रश करें या कवर फायर लें। सो मैं उनको बता दूँ, अगर आपके गार्डियन की जो हेल्थ है वो 30,000 के आसपास है, तो आप कवर एंड फायर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके गार्डियन की हेल्थ जो है वो 40,000 से अप है मेरे जैसी, सो आप इससे रश कर सकते हो। जब आपकी हेल्थ कम जाए तब आप कवर एंड फायर क्या करो। सो यह था हमारा कवर एंड फायर या रश का कंफ्यूजन, शायद आपका सॉल्व हो गया होगा। हमारी अगली टिप है गाइस, स्पान आफ्टर एनिमी नियर बाय स्पान पॉइंट। सो गार्डियन को कभी भी आपको फर्स्ट चूज नहीं करना है, ठीक है, आपको उसके जगह आपको गार्डियन और जेप्रा, ये दोनों मैक को कभी भी आपको फर्स्ट चूज नहीं करना है। गाइस, अभी मैं जो आपको टिप बताने वाला हूँ, इस टिप को आप ध्यान से देखना, न्यू प्लेयर्स को ये बहुत ज़्यादा वर्कफुल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे एक जगन्नट ने मार दिया। अब मैं गार्डियन स्पॉन करने से पहले देखूंगा एनिमी कहाँ आसपास है, और मेरे को यहाँ पे एनिमी पास दिखा, मैं पहले इसका सिस्टम हैक करूँगा, फिर इजीली इसको किल कर लूँगा। तो आपको भी यही करना है, मैं आपको कुछ और क्लिप्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मेरे को पता था ये MD इधर आ रहा है, और मैं यहीं पे स्पॉन होके इसको इजीली किल कर लिया। तो गाइस, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और ये जो नंबर 1 टिप थी, इसे सारे प्रो प्लेयर यूज़ करते, आप भी ज़रूर से यूज़ करना। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी है बोनस टिप, सिस्टम हैक, एबिलिटी रेंज।
सो इस टिप में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सिस्टम हैक एबिलिटी को बहुत सारे प्लेयर्स 30 मीटर रेंज में यूज़ करते हैं बट उनका वर्क नहीं करता है। मैं आपको बोल दूँ 30 मीटर रेंज में अगर आप यूज़ करोगे सो आपका सिर्फ 10% चांसेस होगा वो एबिलिटी यूज़ होने का, इसीलिए आपको हमेशा 28 या फिर 29 मीटर रेंज में यूज़ करना है, रिक्स नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक सेकंड में आप रिक्स लोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। सो गाइस ये थे हमारे कुछ आज के टिप्स एंड ट्रिक ऑफ गार्डियन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे लेटेस्ट मेक करीना की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो आती रहती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।